सनसनी ऑफ इंडिया। शालीमार बाग के रहने वाले बैंक्वेट हॉल कारोबारी विकास अग्रवाल के बेटे किंचुक को अगवा कर 50 लाख रुपए फिरौती मांगने की गुत्थी को पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने सुलझा लिया है। इस पूरी साजिश को बैंक्वेट हॉल की महिला मैनेजर ने अपनी माँ व बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रचा था। पुलिस ने इस संबंध में महिला मैनेजर समेत 4 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों की पहचान मैनेजर 33 वर्षीय ऋचा सब्बरवाल, इसकी मां 56 वर्षीय अनीता, प्रेमी 36 वर्षीय गुरमीत सिंह और सहयोगी 35 वर्षीय कमल बंसल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फिरौती के रूप में वसूले गए 50 लाख में से 36 लाख रुपए बरामद कर लिया है। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि 18 दिसंबर को थाना पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में दोपहर लगभग 3:45 पर कारोबारी विकास अग्रवाल ने अपने 18 वर्षीय बेटे किंचुक अग्रवाल को अगवा कर 50 लाख रुपए वसूलने की कॉल की थी। पीड़ित ने बताया कि उनका बैंक्वेट हॉल का कारोबार है। 17 दिसंबर को उनका बेटा बैंक्वेट हॉल की फ्लावर मैनेजर ऋचा सब्बरवाल व चालक जितेंद्र के साथ फूल लेने गाजीपुर फूल मंडी गया था। फूल लेने के बाद जैसे ही सभी कार में बैठने लगे, एक नकाबपोश बदमाश ने पिस्टल दिखाकर सभी को बंधक बना लिया। जितेंद्र से कार चलाने के लिए कहा गया, जबकि आरोपी ने किंचुक व ऋचा को बंधक बना लिया। कार के अंदर से ही आरोपी ने किंचुक के पिता को उसके ही मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। रुपए न देने पर किंचुक को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी सभी को दिल्ली की सड़कों पर घुमाता रहा। विकास ने आरोपी से सौदा कर 50 लाख में बात तय कर ली। आरोपी कार लेकर अशोक विहार ही पहुंच गया। वहां से विकास को भी पिस्टल दिखाकर कार में बिठा लिया गया। इसके बाद आरोपी ने 50 लाख रुपए लेकर सभी को रेडिसन होटल के पास उतार दिया। पुलिस को सूचना देने पर बेटे को गोली मारने की धमकी दी गई। डर की वजह से उस दिन पीड़ित विकास अग्रवाल ने कॉल नहीं की। हिम्मत करके अगले दिन 18 दिसंबर को पुलिस को खबर दी गई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर थाना पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 18 दिसंबर 2021 को FIR संख्या 534/21 अंडर सेक्शन 364 ए और 25/27 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई किडनैपिंग की वारदात ने दिल्ली पुलिस की नींद हराम कर दी। पूर्वी जिला पुलिस DCP प्रियंका कश्यप ने खुद अपनी सुपरविजन और नीरव पटेल ACP मधु विहार के नेतृत्व में सुरेंद्र कुमार SHO थाना पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र, SI नरेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप भूपेंद्र और कांस्टेबल नितिन राठी की एक टीम का गठन किया। टीम को 2 भागों में बांटा। एक टीम वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालने लगी, दूसरी टीम सस्पेक्ट लोगों के मोबाइल CDR की जांच में लग गई। जिस रोड से आरोपियों की कार गुजरी उसकी लोकेशन लेने के लिए कारोबारी के बेटे किंचुक के मोबाइल की CDR का इस्तेमाल किया गया। आरोपियों ने करीब 70 किलोमीटर राजधानी की सड़कों पर गाड़ी चला दी थी। उस रास्ते में पड़ने वाले 150 कैमरों की मदद से आरोपियों का सुराग लगाने का प्रयास किया। जांच टीम को 70 किलोमीटर और लगभग 150 CCTV कैमरों की जांच के बाद सफलता हाथ लग गई। CCTV कैमरों की जांच के दौरान जांच टीम को एक सस्पेक्ट स्कूटी दिखाई दी। सस्पेक्ट स्कूटी CCTV फुटेज में कई जगह स्पॉट हुई। सस्पेक्ट स्कूटी के नंबर से जांच टीम गदेरिया वाली गली, रामपुरा ओंकार नगर, दिल्ली निवासी कमल बंसल को गिरफ्तार और पूछताछ की, जिसने अपने दोस्त ओंकार नगर निवासी गुरमीत सिंह का नाम बताया। गुरमीत सिंह के खुलासे से पीड़ित और पुलिस टीम चौंक गई। पूरे कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं पीड़ित की फ्लावर मैनेजर ऋचा सब्बरवाल निकली। पुलिस ने तुरंत ही मास्टरमाइंड ऋचा को दबोच लिया। बाद में ऋचा की मां अनीता को भी दबोच लिया। पूछताछ में मास्टरमाइंड ऋचा ने बताया कि अपने प्लान के मुताबिक व्यापारी के बेटे और उसके ड्राइवर के साथ गाजीपुर फूल मंडी में फूल लेने पहुंची थी। जैसे ही खरीदारी करने के बाद ऋचा और व्यापारी का बेटा किंचुक गाड़ी के पास पहुंचे तो पहले से ही घात लगाए ऋचा के बॉयफ्रेंड गुरमीत ने टॉय गन के दम पर उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के दौरान किसी को शक न हो इसलिए ऋचा चिल्लाने का नाटक करती रही। ऋचा ने बताया कि वो अपने पति निकुल सब्बरवाल के साथ मानसरोवर गार्डन में रहती है। इसके 2 बच्चे हैं। लॉकडाउन में इसके पति को भारी घाटा हुआ था। पति का कारोबार ठप हुआ तो उसे ही घर का खर्चा चलाना पड़ रहा था। ऋचा के परिवार पर मोटा कर्जा हो गया था। बैंक्वेट हॉल में उसे 25,000 रुपए मिलते थे, इससे उसका खर्चा नहीं चल पाता था। ऋचा ने कर्जा उतारने के लिए अपने ही मालिक के बेटे को अगवा करने की साजिश रच दी। इसके लिए उसने अपने प्रेमी गुरमीत सिंह को योजना बताई। उसमें कमल बंसल को भी शामिल किया गया। एक टॉय गन से गुरमीत ने वारदात को अंजाम दिया। बाद में रकम को सभी ने आपस में बांट लिया। पकड़ा गया आरोपी गुरमीत ओंकार नगर इलाके में प्रॉपर्टी का काम करता है। कमल बंसल इसका दोस्त है।
त्रिचा और गुरमीत के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। त्रिचा ने जब उसे बैंक्वेट हॉल कारोबारी के बेटे को अगवा करने की योजना बताई तो वह तैयार हो गया। वहीं वारदात में ऋचा ने अपनी माँ अनीता को भी शामिल किया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। 7 बजे गाजीपुर जो फूल मंडी है, दरअसल वहाँ से ये वारदात शुरू होती है, बट इसकी रिपोर्टिंग होती है 18 दिसंबर को। और इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं वो है किंसुक अग्रवाल, ये बेटे हैं विकास अग्रवाल के, और विकास अग्रवाल जी के दो बैंक्वेट्स हैं और ये वारदात उनके बेटे के साथ होती है। इनके बेटे सुबह 7:30 बजे फूल लेने के लिए अपनी फ्लावर डेकोरेटर और अपने ड्राइवर के साथ मंडी आते हैं और यहाँ पर अराउंड 1-1.5 घंटा इनकी शॉपिंग होती है। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं इनके साथ एक ये किडनैपर, साथ में पूरा उसने कैप और अपना मुझे सब छुपा के ये गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और उनके पीछे कमर पर पिस्टल लगा देते हैं और बोलते हैं कि आप अंदर बैठिए। और वो आकर उन्हीं के ड्राइवर के साथ ये गाड़ी को बोलते हैं कि आप चलाना शुरू करें, फिर उनको धमकी देते हैं कि आप अपने फादर से हमारी बात कराएं और नाउ यू आर किडनैप, अगर आपने कॉपरेट नहीं किया तो हम लोग आपको ये गोली चला देंगे। और आगे चलते जाते हैं और जैसे ही ये कुछ दूरी पर इनका व्हाट्सएप पर कॉलिंग अपने बेटे किंसुक के ही फोन से बोलते हैं कि आप फोन लगाए अपने फादर को और व्हाट्सएप कॉलिंग। सो जब कॉल होती है तो ये उनको बताते हैं कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया है। उनके साथ ये एक फ्लावर डेकोरेटर भी है किंसुक, जिनका नाम है ऋचा, और इनके ड्राइवर भी साथ में है इस दौरान। और जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं फोन पे बातचीत होगी, 1 करोड़ की डिमांड करते हैं और नेगोशिएशन होती है, फिर ये डेट कम करते हैं 50 लाख की डिमांड तक फाइनली सेटल करते हैं और आगे डिसाइड होता है कि ये एक पॉइंट पर मिलेंगे और पैसा दिया जाएगा। इनके फादर इस दौरान अपने पैसे अरेंज करते हैं और इनको बुलाया जाता है अशोक विहार, और अशोक विहार में ये लोकेशन डिसाइड करते हैं और इनको एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ बोलते हैं कि आप 2 थैलियाँ लीजिए और एक बीकानेर स्वीट्स है अशोक विहार में, वहाँ से इनको बोलते हैं कि आप थैली खरीदें और एक पर्टिकुलर वे में पैसों को अरेंज करें। तो किडनैपर था बहुत ही प्रोफेशनली इसको हैंडल करता रहा, उन्होंने उसको फादर को बोला कि आप हमें और कुछ दूरी पर ये पैसे, तो ये पैसे उनको दिए जाते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं, मतलब तो फादर भी ज्वाइन करते हैं इनके सबके साथ पैसे देते हैं। फिर कुछ दूरी तक ही अगेन गाड़ी चलती है और ये उनको बोलते हैं कि अब ये किंसुक ऋचा और जो ड्राइवर है उनको उतार दिया जाए। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।